हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चरगा बिरयानी। आम तौर पर चरगे को स्टीम किया जाता है और फिर फ्राई किया जाता है, लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली पैन में बनाया है, ना किसी ओवन और तंदूर का इस्तेमाल किया है मैंने। ये बहुत ही डिलीशियस बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। कुछ सिंपल स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 800 ग्राम की चिकन ली थी, ये एक किलो से भी कम था। इसका फैट्स मैंने पूरा क्लीन करके इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके ऊपर मैं इस तरह से कट्स लगा रही हूँ। कट्स लगाने से मसाले अंदर तक अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे। जहाँ पर भी फ्लैश है वहाँ पर आपने इस तरह से डीप कट्स लगा लेने हैं, बोन तक। बैक साइड पर भी कट्स लगा लिया है मैंने। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और मैरिनेट तैयार कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप दही लिया था, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच काटकर ज़ीरा, एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच धनिया और नमक लिया है। विनेगर मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो एक छोटे नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। फूड कलर आधा चम्मच, ऑप्शनल है ये, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। तो मैरिनेट बिल्कुल तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसी के अंदर एक चम्मच बटर ऐड कर सकते हैं या राई का तेल, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। अब सारा मैरिनेट हमने चिकन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। जहाँ जहाँ हमने कट्स लगाए हैं, कट्स के अंदर और उसके अंदर के पोर्शन में इस तरह से जैसे मैंने किया है, बैक साइड पर हर तरफ से लगा ले। उसके लेग्स को हमने टाई कर लेना है, तो इस तरह से हमने उसको क्रॉस कर लेना है और उसको गोल गोल धागा इस तरह से करके उसको हमने बांध लेना है टाइट। उसको टाइट बांध ले ताकि वो खुले नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको इस तरह से बांध लिया। आप चाहें तो इसको एक घंटा मैरिनेट कर सकते हैं, मैंने मैरिनेट नहीं किया था, डायरेक्टली बनाया है। पैन में सिर्फ थोड़ा सा मैंने ग्रीसिंग किया है ऑयल के साथ और मैंने इसको इस तरह से उल्टा रख दिया है। जो बच गया था मैरिनेट वो भी यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है। चिकन को हमने अच्छे से कुक कर लेना है, इसी के जूसेस में, दही में, चिकन जो अपना पानी रिलीज़ करेंगे उसी में ये कुक हो जाना चाहिए। कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको एक साइड पर कुक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ चावल बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने खुला पानी लिया था, नमक ऐड किया है चावलों के हिसाब से और खड़े मसाले, इसमें लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, बादियान, इलायची और थोड़ा सा मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो नींबू का रस ऐड कर लें और तेल ऐड किया है, तेज़पत्ता ऐड कर लिया है। अब हमने वेट करना है कि इसमें बॉईल आ जाए। बॉईल आने के बाद मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। चावल को मैंने वॉश करके 15 मिनट भिगो लिया था। इसको मिला ले, हाई फ्लेम पर है और बस इसमें एक बॉईल आ जाए तो गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट कुक कर लें, जब तक चावल 90% कुक नहीं हो जाता है। 90% कुक होने का मतलब है जब आप इसको खाकर चेक करें तो इसमें कोई कनी नहीं होनी चाहिए। चावल को हमने निकाल लेना है बाहर और पानी ड्रेन कर लेंगे। दूसरी तरफ चिकन को चेक कर लेते हैं 15 मिनट बाद। देखिए बहुत सारा पानी उसने रिलीज़ कर लिया है और मैंने इसको इस तरह से टर्न कर लिया है और दूसरी तरफ से भी 15 से 20 मिनट इसको हमने कुक कर लेना है। तो कवर करके इसको हम फिर से छोड़ देते हैं साइड में कुक होने के लिए। मसालों के लिए मैंने पैन में आधा कप ऑयल ऐड कर लिया है और 5 मीडियम स्लाइस करके ऑनियंस ऐड किए हैं। उसको हमने फ्राई कर लेना है, जैसे बिरयानी के लिए हम बिरिस्ता बनाते हैं वैसे ही इसको हम ब्राउन कर लेंगे। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तो हमने यहाँ पर मसाला बना लेना है। एक बड़ा टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, 4 काजू, 4 बादाम, थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है और 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं। इसको हमने मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है, फाइन पेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने इसमें पानी भी ऐड नहीं किया था। टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा चलाकर बंद कर लें और ये रेडी है। यहाँ देखिए प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। इसमें से हम आधा निकाल लेंगे बाहर गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा मैंने ऑयल भी निकाल लिया था। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा था तो ऑयल हम चिकन को फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मसाला ऐड कर रही हूँ इसी प्याज में, जो हमने टमाटर, धनिया और काजू बादाम वगैरह ग्राइंड किया था, हरी मिर्च, वो पूरा मसाला यहाँ ऐड कर लिया है। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
एक चम्मच भर के धनिया, एक चम्मच काट के ज़ीरा, एक चम्मच भर के काला नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला और नमक ऐड किया है मैंने। तो मसालों को भून ले 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। एक चम्मच भर के अदरक लहसुन और आधा कप दही, इसी से मसाला फॉर्म होगा। दही को आप फेंट कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली ऐड किया था इसलिए मैं इस तरह से उसको अंदर ही फेंट रही हूँ। फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है आपने, कवर करके इसको थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। कुछ देर बाद आप देखेंगे मसालों में से तेल बाहर निकल आया है, मसाला बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो थोड़ा पानी ऐड करके बॉईल कर सकते हैं ताकि थोड़ी ग्रेवी फॉर्म हो। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर लिया है। चिकन की तरफ चलते हैं। तो चिकन को मैंने यहाँ पर दोनों तरफ 15-15 मिनट कुक किया है और जो तेल मैंने निकाल लिया था प्याज में से वो मैंने ऐड किया है। अब आपने फ्लेम मीडियम कर लेना है और इसको अब हम कवर नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम टर्न करते रहेंगे जब तक हर तरफ से इसकी भुनाई नहीं हो जाती और इस पर मार्क्स नहीं आ जाते हैं ऐसे। तो बस उसको टर्न करते रहें हर 3 से 4 मिनट बाद और हर तरफ से इस पर कलर ले आएँ ताकि उसकी भुनाई हो जाए। ये देखिए ऐसे, तो चारों तरफ से मैंने इसको भून लिया है। ये रेडी हो गया है। अब इस पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ऐड कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर आ जाए चिकन में, और गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। चिकन रेडी हो गया है। अब हम बिरयानी असेंबल कर लेंगे। तो जो मसाला मैंने बनाकर रख दिया था उसमें से मैंने 3/4 पोर्शन निकाल लिया है बाहर और 1/4 मैंने अंदर वेसल में ही रखा है। जो ऑयल बच गया था चिकन को फ्राई करने के बाद, वो ऑयल हमने वेस्ट नहीं करना है, वो ऑयल मैंने यहाँ पर ऐड किया था। नीचे इस पे हरा धनिया, प्याज और पुदीना हम ऐड कर लेंगे, गार्निश करेंगे। चावल ऐड कर लिया है और जो सालन मैंने निकाल लिया था ये बहुत ही ड्राई हो गया था। आप चाहें तो 1 कप पानी ऐड करके बॉईल करके फिर यहाँ पे ऐड कर ले ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर रहे ग्रेवी में। फिर इसके ऊपर हरा धनिया, पुदीना और तला हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो देसी घी वगैरह बीच में ऐड कर सकते हैं लेयर्स के। और फिर मैं चावल की लेयर लगा रही हूँ। ऐसे आपने 2 से 3 लेयर लगा लेनी है। हर लेयर के बीच में प्याज, तला हुआ हरा धनिया, पुदीना कलर, देसी घी और मसाला ऐड कर लेना है आपने। तो ये मैं लास्ट लेयर लगा रही हूँ चावल की और इसके ऊपर लास्ट में मैं हरा धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ। और चिकन जो हमने रोस्ट किया था वो मैं यहाँ पर ऊपर रख रही हूँ इस तरह से। आप चाहें तो चिकन को बीच में अंदर लेयर्स में भी ऐड कर सकते हैं। फूड कलर मैंने ऐड किया है, आप प्रेफर नहीं करते हैं तो आप स्किप कर दें उसे। और देसी घी हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे ऊपर से, क्योंकि मेरी ग्रेवी बहुत ही ड्राई थी और उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ही नहीं था, तो इसीलिए मैंने ऊपर से साइड में से पानी थोड़ा सा इस तरह से ऐड किया है। चिकन को बीच में मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया है और अब हम इसको कवर करके दम कर लेंगे। हाई फ्लेम पर 2 मिनट वेसल गर्म करके लो फ्लेम पर 10 मिनट गर्म कर ले। तो बिरयानी रेडी हो गई है। ये देखिए फ्यूम्स आ रहे हैं बाहर इसमें से। सर्व कर लेते हैं इसे। सर्व करने का तरीका ये है कि आपने चावलों को पहले अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही आप उसको सर्व कर लें, क्योंकि कहीं मसाले ना रह जाएं, कहीं अलग से प्याज ना रह जाए। और ऊपर मैंने इस तरह से चिकन फ्राई करके जो रखा था वो ऐड कर लिया है। तो आपने इसको पीसेस में कट करके पोर्शंस में सर्व कर लेना है। दही रायता कचुंबर के साथ, आप सैलड्स के साथ, मिंट चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।